हाय, माय सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स को CC8 के यूनिट 2, जिसमें क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ना है। अभी मैं एंजाइटी डिसऑर्डर की परिभाषा और उसके कारणों का उल्लेख करूंगी। एंजाइटी की परिभाषा। चिंता विकृति एक प्रकार का मनोरोग है। यदि चिंता बहुत बढ़ जाती है और इसके व्यापक दुष्प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ने लगता है तो हम उसे घबराहट और चिंता रोग कहते हैं। बहुत से लोगों को नई जगह पर जाने, नई नौकरी शुरू करने या परीक्षा के समय बहुत घबराहट और चिंता होती है। ये लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं। इस तरह की चिंता बेचैन कर सकती है, लेकिन बहुत बार यह आपको कठिन काम करने और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। सामान्यतः चिंता होना एक साधारण एवं स्वाभाविक भावना है जो आती है और चली भी जाती है। यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती है। चिंता विकृति इससे पूर्णतः भिन्न होता है। चिंता विकृति के मामलों में डर की भावना हर समय रहती है और कभी कभी यह हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। चिंता विकृति को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि यह एक मानसिक बीमारियों का समूह होता है जो किसी की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त होता है। चिंता विकृति एक साधारण मानसिक रोग है। व्यक्ति समाज में अच्छी तरह से समायोजित रहता है तथा अपनी जीविका का अर्जन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। उसे मानसिक अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रोगी को अपने स्थिति के बारे में जानकारी रहती है। चिंता विकृति के निम्नलिखित कारण होते हैं। नंबर 1, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बाल्यकाल की घटना एवं उससे उत्पन्न भयंकर भय के कारण ये आधारित होती है। उनका कहना है कि बचपन में जब किसी भयंकर भय की अनुभूति बच्चा को होती है तो यही अनुभूति आगे चलकर इस रोग का कारण हो जाता है। नंबर 2, एल्डर ने इस रोग की व्याख्या हीन भावना के आधार पर भी किया है। उनका कहना है कि हीन भावना से मुक्ति ना होने के कारण व्यक्ति को भय उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इस रोग की उत्पत्ति होती है। नंबर 3, फ्रायड ने इस रोगी की व्याख्या कामुक इच्छा के आधार पर किया है। इनका कहना है कि स्त्री या पुरुष में जब अधिक काम भावना की इच्छा उत्पन्न होती है और उस काम इच्छा की पूर्ति ना होने के कारण उनमें मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इस रोग की उत्पत्ति होती है। नंबर 4, ओकेली ने इस रोग की व्याख्या के क्रम में यह बतलाया है कि जब व्यक्ति बार बार असफलता का शिकार होता है तो इस असफलता के बचाव के रूप में इस रोग को उत्पन्न कर लेता है। नंबर 5, व्यक्ति को जब अपने मान मर्यादा के प्रति कोई खतरा दिखाई पड़ता है तो वह अपने मान मर्यादा के प्रति चिंतित एवं भयभीत हो जाता है जिसके कारण इस रोग की उत्पत्ति होती है। नंबर 6, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें जाने अनजाने में यह दबाव या लालच या कोई पाप या अपराधजनक कार्य हो जाता है जिसके कारण उनमें भय एवं चिंता
उत्पन्न हो जाती है और उन्हें यह रोग लग जाता है। नंबर 7, इस बीमारी के संबंध में कहा गया है कि व्यक्ति के वर्तमान जीवन में कुछ इस प्रकार की दुखद घटनाएं घटती है जो उसके गत जीवन के अन्य दुखद घटनाओं को पुनर्जीवित कर देती है और इसके पुनर्जीवित हो जाने के कारण व्यक्ति इसके दुष्परिणामों की आशंकाओं से चिंतित एवं भयभीत हो जाते हैं और जो इस रोग के रूप में परिलक्षित होते हैं। नंबर 8, लगातार होने वाले संवेगात्मक तनाव के आधार पर भी व्यक्ति में ये रोग आ जाते हैं। नंबर 9, व्यक्ति जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखता है लेकिन परिणाम प्रतिकूल मिलता है तो व्यक्ति में इस रोग का शिकार बन जाता है। नंबर 10, इस रोग की व्याख्या व्यक्तित्व के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। इनका कहना है कि कुछ व्यक्ति संदेही, जिद्दी या भावुक होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपने अवगुण के कारण वातावरण में अभियोजित कर सकने में असफल हो जाते हैं जिसके कारण इन्हें इस रोग का शिकार होना पड़ता है। नंबर 11, निर्णय लेने में कठिनाई होने पर किसी व्यक्ति में भी ये रोग अपने आप चला जाता है क्योंकि निर्णय जब व्यक्ति नहीं ले पाता है इसका मतलब है कि उनमें चिंता अधिक पाई जाती है। नंबर 12, गलत उपदेश के कारण व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति में अपने डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और व्यक्ति कुछ भी बातों को स्वीकार नहीं कर पाता है। तब ऐसी स्थिति में चिंता का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। नंबर 13, इस रोग की व्याख्या अनुबंधन शिक्षण के द्वारा भी किया गया है। उनका कहना है कि बचपन में बच्चे अनुकूलनशील तथा कोमल मस्तिष्क के होते हैं, अतः जिस बच्चे के माता पिता इस रोग से के शिकार होते हैं वैसे बच्चे अनुकूलन तथा अनुबंध शिक्षण के द्वारा आगे चलकर इस रोग को विकसित कर लेते हैं। नंबर 14, दोष भावना तथा दंड के आधार पर इस तरह की चिंता व्यक्ति में आ जाती है। कभी कभी बचपन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दंड देने के कारण उनमें अक्सर भय एवं चिंता देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस रोग के अनेक कारण हैं। धन्यवाद।